शिवपुरी शहर में आज ग्राहक दिवस पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने ग्राहकों का सम्मान किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मीडिया प्रभारी कपिल शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हित के लिए कार्य करती है। आज देश राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष पर आज शिवपुरी शहर के मुख्य मॉल एवं छोटे बड़े प्रतिष्ठानों पर जाकर ग्राहकों का सम्मान किया गया है। साथ ही छोटे बड़े प्रतिष्ठानों के संचालकों से ग्राहकों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर कार्य करने की अपील की गई है। आज शहर के वीमार्ट, जियो मार्ट, रिलायंस मार्ट पर जाकर ग्राहकों की समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही उनका सम्मान किया। क्या नाम है तुम्हारा? आप किस ग्राहक पंचायत जिले का जिला? आज जो आप कार्रवाई कर रहे हैं और करवा रहे हैं, क्या कुछ ये कार्रवाई? प्रथम तो मैं आज सभी ग्राहकों उपभोक्ताओं को ग्राहक दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और साथ में सभी को शुभकामनाएं करते हैं। आज किस प्रकार की है आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है? ज्ञापन के माध्यम से जो भी माध्यम हो उस माध्यम से हम बात करेंगे। तो क्या कुछ आप लोगों ने अभी इन लोगों को नगर पालिका वालों को समय का वो दिया है? समय नगर पालिका ने 24 घंटे का समय नोटिस कर बोला है, उसके बाद नोटिस नहीं दिया जाता तो न्यायालय जो भी आगे कार्रवाई उसको कौन करेंगे? एक बात बताइए, जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं जिनकी नगर पालिका द्वारा हाल ही जेसीबी द्वारा उस सामान को हटा दिया जाता है, यहाँ पे जेसीबी क्यों नहीं चल रही है? हमारी भी यही मांग है, हम भी यही कह रहे हैं, जैसे गरीबों के विरुद्ध आप कार्रवाई कर देते हो, गरीबों के घरों से तत्काल छोड़ देते हो, ऐसे ऐसे बड़े मालिकों की आखिर इन चीजों को क्यों आप नोटिस की कार्रवाई तक सीमित कर देते हो? हमारी ये मांग है कि ऐसे जनरेटर जितने रखे हैं बीच रोडों पर, सारे जनरेटर हटाए जाने चाहिए। जितना अतिक्रमण नगर पालिका की आंखों के सामने हो रहा है वो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण तत्काल हटाया जाना चाहिए। गरीब और अमीर में यदि सरकार भी पक्षपात करने लगेगी तो न्याय की स्थापना कैसे होगी? ये हमारी मांग है और आज ग्राहक दिवस के दिन हम सब ग्राहक मिलके यही मांग करते हैं कि रिलायंस मॉल के आगे रखा हुआ ये अतिक्रमण हटाया जाए। और भी जगह शहर में जहाँ जा रखे वो सारा अतिक्रमण हटा दिए।